सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम अपना चेहरा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आयशा राणा। और आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन। हम बात करेंगे तालीम पे, क्योंकि आजकल के दौर में जो है वो मतवसत घराने के बच्चों को तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमने आज स्टूडियो में तालीम के टॉपिक पे बात करने के लिए अपने मौजूद मेहमानों को यहाँ पर दावत दी है, जिनमें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाहिद जमील मिनहास साहब, जो कि माहिर तालीम हैं और एमए इकोनॉमिक्स हैं, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी से, और मुसन्निफ हैं 6 किताबों के, माशाल्लाह से कालिम निगार हैं और इन्होंने अपनी 6 किताबें लिखी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नैना नासिरा अली साहिबा, जो कि इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एम्पावरिंग वुमेन एंड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और इसके साथ साथ साबिका सीनियर नायब सदर वुमेन चैम्बर ऑफ इस्लामाबाद एंड चेयरमैन वुमेन इंटरप्रेन्योर है। अस्सलाम वालेकुम मैम, जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नईम अशरफ साहब, जो कि आइन स्कूल के बानी हैं और तालीमी और समाजी मैदान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर जदीद और मुनफरिद निज़ाम से मज़ीन स्कूल सिस्टम चला रहे हैं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ और सिदारती अवार्ड याफ्ता हैं माशाल्लाह से। और इनके साथ साथ हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अली नदीम शोकत साहब। सर आप कैसे हैं? हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज हम आपके साथ यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं। इनका तारुफ करवाती हूँ, ये हैं जी माशाल्लाह से उस्ताद घराने से, खान साहब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनके उस्ताद शोकत मंजूर अली खान साहब हैं। इनके दादा उस्ताद जो हैं वो सलामत अली खान और वालिद मोहतरम अनायत अली खान साहब हैं। तो आज सर जो हैं वो अपनी वर्सटाइल वॉइस में ये सिंगिंग करते हैं और हमें भी सुनाएंगे अच्छे अच्छे से गाने भी, और इनसे सुनेंगे। तो हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं, एजुकेशन पे बात करेंगे हम। सर आपसे शुरू करेंगे, आप हमें बताएंगे कि जो तालीम है वो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना और अक्सर देखते रहते हैं हम के टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स रवा दवा रहते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स की तरफ कोई जाता नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है इस पर बात करना। और जहाँ पे आप मीडियाकर की बात करते हैं, ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि वो अफोर्ड भी करेंगे जब हमारी हुकूमतें जो हैं उनकी तरफ कदम बढ़ाएंगी। मुल्क पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो तालीम जो लोग हासिल करते हैं बहुत अच्छी हासिल करते हैं और उनके अंदर रख रखाव भी होता है, आदाब भी होते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारा तबकाती निज़ाम जो है ना वो इसको आड़े आ जाता है इसके। और कहा जाता है कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। कहा जाता है कि जितना मर्जी आप पढ़ लिख लें, जो मर्जी कर लें, जब तक आपके अंदर तरबियत नहीं है, और तरबियत आपके माँ बाप से आती है, आपके आबाओ अजदाद से आती है, हमें सबसे पहले तरबियत करनी होगी अपनी नौजवान नस्ल की। हाँ ये ज़रूर है कि तालीम अगर होगी तो तरबियत का अमल जो है वह ज़रा बेहतर हो जाता है। तालीम के आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी नाना दादा, उन्हें स्कूल का मुँह नहीं देखा होता था, लेकिन बात करते थे बड़े पाए की। और फिर हम बच्चे होते थे, हमें समझ नहीं आती थी, जब बड़े हो जाते थे तो फिर हमें याद आती थी, यार वाकई बड़ी अच्छी बातें करते थे। कहने का मतलब यह है कि तालीम हासिल करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी हो, लेकिन वक्त का तकाजा इस कदर आगे निकल चुका है कि हमें यूनिवर्सिटियों में जाना होगा, हमें कॉलेजेस में पढ़ना होगा, और फिर उसके साथ साथ हमें अदब अदाब भी सीखना होगा। यानी तालीम एक ऐसी चीज़ है, अगर इसके साथ आपकी तरबियत नहीं है तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो तालीम का फुकदान है वो नकाइस आपने बहुत सारे देखे होंगे, नकल से पाक जो है उसे किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो नौजवान नस्ल है वो अगर इंटरनेट की हम बात करते हैं तो उससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ ऐसा भी किया जा रहा है मेरे ख्याल में जिसको हासिल ना अगर किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बेहतर होगा बिल्कुल। साथ साथ नैना साहिबा आपसे हम जानेंगे कि तालीम जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, जो मुनासिब एक नॉर्मल सा खानदान है वो अपने बच्चों को
अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकता, इस पे आप क्या राय रखते? देखिए, मैं समझती हूँ कि तालीम जो है वो तालीम नहीं रही हुई, वो एक बिजनेस हो गया, वो एक इंडस्ट्री हो गई है। तो जब आप अपने एजुकेशन सिस्टम को एक इंडस्ट्री में तब्दील कर देते हैं और वहाँ पे आप क्लास आ जाती है ना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, लेकिन जो हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है जहाँ पे कि एक निसाब होना चाहिए, एक तालीमी सिस्टम होना चाहिए, वो फेल है। क्योंकि एक तरफ तो देखें एची सैन है, एक तरफ कॉन्वेंट है, एक तरफ दूसरे जो स्कूल सिस्टम्स हैं वो हैं, और दूसरी तरफ एक टाट सिस्टम है। तो आप उसको कैसे, एक एक्सपोर्ट का निसाब पड़ता है, दूसरा जो है उसका निसाब का पता ही नहीं है कि वो निसाब कैसे किस तरीके से बेहतर हो सकता है। तो ये जो दो तबकाती फ़र्क है, इसने तलीम का निज़ाम का जो है ना वो बेड़ा गर्क किया हुआ है। क्योंकि जो तलीमी इंडस्ट्री, जो एजुकेशन की इंडस्ट्री बन चुकी है, वो हमारे बड़े बड़े नामवर लोगों की है, उसमें किसी गरीब की नहीं है। चाहे वो आप रूट सिस्टम लगाएं, चाहे आप किसी भी स्कूल सिस्टम का कर, वो हमारे बड़े बड़े नामवर लोगों के हैं। तो वो जब बिजनेस और इंडस्ट्री आ जाती है तो उसमें फिर तालीम बहुत पीछे रह जाती है। तो ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना कि वो एक सिस्टम रखे, एक निसाबे तालीम रखे स्कूल्स का। क्योंकि हमारे यहाँ जॉब सीकर्स पैदा किए जाते हैं, हमारे यहाँ डिग्री जो है कागज़ है, उसको कहीं पे भी किसी भी तरीके से आप वेरीफाई नहीं कर सकते। आप लम्स के स्टूडेंट को ले आए, उसको एक रिक्वायरमेंट लिखनी नहीं आती। 16 इयर्स की तालीम के बाद अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे है तो वो एक एप्लीकेशन या रिक्वायरमेंट नहीं लिख सकता, तो फिर ऐसे सिस्टम को ख़त्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नईम अशरफ साहब आपसे भी जानेंगे, आप माशाल्लाह से स्कूल सिस्टम चला रहे हैं, काफ़ी सालों से इसमें हैं, तो आप इस पे क्या राय दें? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड आज का जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि हमें इस पे बोलना चाहिए, बल्कि तमाम मीडिया जो हाउसेज हैं उनको बोलना चाहिए इसके ऊपर। देखिए, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़, ये दो चीज़ें, दो फैसिलिटीज़ जो हैं वो रियासत की जिम्मेदारी होती है। जब रियासत अपना काम ना कर रही हो तो फिर वो जो गैप है उसको फिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को उसमें इन होना पड़ता है। जब से आप देख लें कि प्राइवेट सेक्टर इन हुआ इसके अंदर, तो वो ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर जब भी आएगा इसके अंदर, वो बिज़नेस की गर्ज़ से आएगा। आप देखें एजुकेशन में भी और मेडिकल में भी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन चुके हैं उनका तो बिजनेस का तो मोटिव ही यही है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग करनी है जी। कम पैसा लगा के मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग्स होनी चाहिए। तो वो तो एजुकेशन की तरफ तो वो आ ही नहीं सकते, वो तो तरबियत की तरफ तो बहुत कम आएंगे। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है जो कि प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। अब उसके अंदर भी जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे शाह साहब ने कहा कि तरबियत का फुकदान है। यस, हमारा जो टीचर है ना आज, वो बाई चांस है, जब कहीं पे उसको कहीं जॉब नहीं मिलती, किसी एक आदमी को, एक इंजीनियर को, एक डॉक्टर को कहीं जॉब नहीं मिलती, वो कहता है चलो टीचिंग में अप्लाई करते हैं, शायद यहाँ पे कोई चांस मिल जाए। आप दूसरी तरफ देखें, जब वो कहीं जाता है टीचिंग की जॉब के लिए, तो उसको लो पेड उसको सैलरी मिल रही होती है, उसकी सैलरीज बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। जब उसकी सैलरीज कम होंगी तो वो किस डिवोशन के साथ काम करेगा? उसका तो डिवोशन होगा ही नहीं, वो तो हर वक्त एक सीवी अपनी जेब में रखेगा और वो देखेगा कि मैंने किस वक्त निकलना है यहाँ से। जब वो खुद डिवोटेड नहीं है, खुद मोटिवेटेड नहीं है, तो वो अपने स्टूडेंट्स पे क्या उस पर काम करेगा? तो अपने स्टूडेंट्स को भी सही तरीके से आगे लेके नहीं चलेगा। तो मैं समझता हूँ ये रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत को पूरा करना है। अगर रियासत पूरा नहीं करेगी तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, आते रहेंगे। अली नदीम साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, इसकी भी एक प्रॉपर जो है वो तालीम होती है, स्टडी होती है, माशाल्लाह से आपके उस्ताद भी हैं, तो कैसे सीखा आपने और इस पर क्या कहेंगे? मैं ये बात करूँगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बात एजुकेशन की हो रही है, तो ज़ाहिर है जब तक इंसान को अच्छा टीचर ना मिले और अच्छी चीज़ें मुहैया ना हों, तो टीचर भी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं अब आऊँगा अपने म्यूज़िक की तरफ। हमारा भी इस तरह का ही कुछ मसला है कि पहले जो साथ था, जो हमारे बड़े उस्ताद थे, आज तक क्लासिकल क्यों नहीं इतना हिट हो सका कि वो लोग भी नहीं मिले ना उन उस्तादों ने उस तरह नौजबिल्ला किसी को उन्होंने बताया। ठीक है, इस तरह सब लोग पॉप की तरफ चले गए हैं, नौजबिल्ला हम पॉप की तरफ तो नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ वो जो बड़े जो आजकल के जो हमारे उस्ताद हैं, क्योंकि आजकल तो म्यूज़िक भी बिक रहा है जी। आपको पता है उस्ताद फीसें ले रहे हैं, एकेडमियाँ मुख्तलिफ बनी हुई हैं, ना उनको पता है उस चीज़ों को कि अच्छा उस्ताद कौन है, कौन सिखा सकता है, कौन नहीं सिखा सकता। इस फील्ड में भी जो है वो तालीम लाजमी लेनी चाहिए आपको, तालीम के अच्छा उस्ताद होना, जिस तरह मुर्शद अच्छा होता है, बाप अच्छा होता है, इस तरह उस्ताद अच्छा भी होना बहुत जरूरी है। तो हम पे मालिक का कर्म है कि हमें अच्छे उस्ताद मिले माशाल्लाह से। शाह जमील साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि तबकाती निज़ाम है हमारे मुआशरे में,
तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए वो कहा जाता है जी, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो आपको पता है ये निज़ाम बिल्कुल है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये कहा जाता है जी कि अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, एक मुल्क गरीब है क्योंकि वो गुरबत हमें विरसे में मिली है। ठीक है, ये एक ऐसा निज़ाम है कि जिसमें मेरे ख्याल में चंद खानदान ऐसे हैं जो कि हमारे मुल्क की दौलत पे काबिज़ हो चुके हैं, तो ये निज़ाम तो होगा। और इसको ख़त्म करने के लिए दर्द दिल चाहिए, इसे ख़त्म करने के लिए हमें ये सोचना होगा जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं कि इस मुल्क का पैसा इस मुल्क में रहे और यहीं पे इस्तेमाल हो और वो गरीबों की फलाह बहबूद पे इस्तेमाल हो। मैं समझता हूँ कि निज़ाम 4 से 6 माह में ख़त्म हो सकता है अगर हमारे जो बड़े बड़े हैं, जिनको बड़े कहते हैं वैसे वो छोटे हैं, इंतहा दर्जे के छोटे हैं वो, कि जो ये समझें कि सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ भी ना कर सके। और जब वो जा रहे होते हैं दुनिया के अंदर तो ना उनके पास उनकी बेटी होती है ना बेटा होता है, वो अकेले होते हैं। मेरे ख्याल में सबसे गए गुजरे वो लोग होते हैं। तो इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए सबसे पहल जो करनी होगी हमारे उन दौलतमंदों को करनी होगी कि जो इस दौलत उनके पास अल्लाह ने दी है, जैसे दी है जो कि, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान है कि उसे खर्च करना है, उसे खर्च करना है। ठीक है, और दूसरी बात, एक बात थोड़ी सी मैं डाइवर्ट करना चाह रहा हूँ कि हम नकायस ज़रूर निकालेंगे। कहा जाता है कि जब आप किसी के अंदर नकायस निकालते हैं तो फिर उसके लिए तजवीज़ भी पेश की जाए। ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल होंगे एजुकेशन में, लेकिन हमारे मुल्क के नौजवान पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा चुके हैं। मैं आपको बताऊं 1967 की बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जिन दो ख्वातीन ने फर्स्ट डिवीजन ली, आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एमए इंग्लिश में फर्स्ट डिवीजन बड़ी मुश्किल से आती है। आप यकीन करें कि वो एक तो शाइस्ता जायद थी, न्यूज़कास्टर, आपने नाम सुना उनका, और फिर उसके बाद जनाब एक ऐसी खातून है कि जो अमेरिका के अंदर अंग्रेज़ों को इंग्लिश पढ़ा रही हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने स्टूडेंट्स की, अपने पढ़ने लिखने वालों की हौसला अफजाई भी ज़रूरी है। ठीक है, और जब तनकीद करें तो इस्लाह उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये नैना साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बताएं कि ये जो तबकाती निज़ाम है हमारे मुल्क में, और जहाँ पे एक अमीर का बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे एक नॉर्मल सी फैमिली का बच्चा नहीं पढ़ सकता, तालीम नहीं हासिल कर सकता। देखिए, आजकल के जो वालदैन का अलमिया है, उनका अलमिया सबसे बड़ा ये है कि वो कोशिश करते हैं अपने अपने लेवल पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजने का। मुझे ये समझ नहीं आती, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इंटरनेशनल लेवल पे एक लैंग्वेज है, अगर इंग्लिश मीडियम ही तरक्की का जरिया है तो फिर चाइना ने, यूरोप ने, इन लोगों, इन मुल्कों ने कैसे तरक्की की, ये स्पेस साइंस तक कैसे चले गए? हमारे जहनों में बिल्कुल एक एहसास महरूमी डाल दिया गया है, यहाँ पे आपके पास डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो इट मीन्स आप हाईली क्वालिफाइड है, अदरवाइज आपने PhD भी किया है और आपका एक्सेंट अच्छा नहीं है, इट मीन्स यू आर जीरो। तो ये जो तबकाती फर्क है ना, ये अंग्रेज चला गया लेकिन हमारे पास अपनी तमाम चीजें छोड़ गया, वो तो बहुत आगे तरक्की पे चला गया लेकिन हम अभी तक गुलामी के तोकों में है। तो ये जो तबकाती फर्क है ना इंग्लिश मीडियम का और उसका, देखिये हमारे मदारस में मैं कहती हूँ उनसे ज्यादा बच्चे जहीन कोई नहीं हो सकते जो साल डेढ़ साल में कुरान को अपने अंदर उतार लेते हैं, उनसे ज्यादा जीनियस, उनसे ज्यादा बेहतरीन कोई नहीं हो सकता, लेकिन उनको एक हमने उनको हम उनको देखते हैं अलहदा नजर से, टेररिज्म, मैं कहती हूँ नहीं, वो मासूमियत और आला मंजिलों पे है। अगर उनको लेके, मदारिस को लेके और छोटे स्कूल्स को लेके, और हमें बिल्कुल जूनियर लेवल पे अच्छे टीचर्स को दिया जाए और गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर किया जाए, देखिए हमें से मेरा ख्याल 20% 10% 30% एटलीस्ट होंगे जो हाई लेवल के स्कूल्स को जो अफोर्ड कर सकते हैं। हम लोग गरीब मुल्क है, हमारा जैसे हमारे वजीर आजम साहब ने फरमाया था रियासत मदीना, अगर रियासत मदीना में सिर्फ तलीम और हेल्थ को बेहतरी कर दिया जाए तो मेरा ख्याल दुनिया में जो बेहतरीन कौमें हैं उनमें से एक हम होंगे। इस पे बिल्कुल नहीं मशा साहब, आपकी राय भी हमें चाहिए होगी। मैं नैना की बात को ही आगे लेके चलूंगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, अब गवर्नमेंट को ही इस पे काम करना है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जिस तरह से पॉलिटिशियंस की सैलरीज बढ़ा रही है, जिस तरह से बाकी सेक्टर्स में सैलरीज बढ़ा रही है, इस तरह से उसको एजुकेशन सेक्टर में भी देखना है। आप देखें मैंने जैसे अभी कहा कि टीचर्स की सैलरी सबसे कम है, तो वो वहाँ पे उस फील्ड में कैसे अच्छे लोग आएंगे? उस फील्ड में तो वही लोग आएंगे जिनको कहीं पे भी नहीं कुछ मिल रहा है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट इस सेक्टर में गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग करनी है ताकि टॉपर इधर आए बजाय इसके कि वो बाहर जाके एजुकेट करें लोगों को, प्लस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं जो गवर्नमेंट अभी देखें जैसे शाह साहब ने कहा, मैम ने कहा कि
कुछ मदरसाज में जो है वो तरबियत दी जा रही है, वहाँ पे कुरान पाक पढ़ाया जा रहा है, हिफ्ज कराया जा रहा है, 1.5 साल में बच्चे कुरान पाक हिफ्ज कर लेते हैं। मसलन मतलब है कि इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पर मौजूद हैं। अब आप ये देखें कि क्या हम अपने बच्चों को मदरसाज में भेजते हैं कि नहीं भेजते। मैं देखता हूँ जो इंग्लिश मीडियम के जो चाहते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे हमारे वहाँ जाएं, तो वो कभी भी मदरसाज में नहीं भेजते। हाँ, वो कहते हैं कि वो अलग क्लास है। अब हमें उन हमें या अब मेरी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएं, किसी ज्यादा नंबर लें और मदरसों में भेजने की। अच्छा, सबकी आजकल यही कोशिश होती है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन वो कहता है कि मेरा बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में जाए। तो इसके साथ साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जल्दी से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब, ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तावीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का, कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूँ आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन। मजीद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले अली नदीम शौकत साहब हमें जो है वो एक कलाम सुनाएंगे। तो शौकत साहब क्या सुना रहे हैं आज आप? मेरी एक धमाला आ रही है कलंदर पाक की, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी इंशाल्लाह आपको सुनाऊं, और व्यूज को भी इंशाल्लाह बड़ी इंतजार है। अच्छा। और ये बात चल भी रही है। तो ये आपका एक कल भी तो गाना मेरे ख्याल से है। हाँ, वो बड़े बड़ी आपकी दुआ पिंडी से स्काइप से। हाँ जी, हाँ जी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको इसी प्रोग्राम में सुनूं। तेरे दर्द मुर्शिद साया, तेरे दर्द मुर्शिद
सद साई आवा मैं हर साल कलंदर लाल मुर्शद लाल सोन लाल सैयद लजपत दीवा तेरा हर दम बाला दीवा तेरा हर दम बाला मेरा दीवा बाल कलंदर लाल मुर्शद लाल सोन लाल सैयद लजपत कलंदर लाल 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 मुर्शद लाल 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 सोना लाल 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 मुर्शद कलंदर लंगर जारी जिथों खांदी खलकत सार दर तेरे ते आया बलिया दर तेरे ते आया बलिया लेके एक सवाल कलंदर दा मुर्शद लाल सोना लाल सैयद लजपत नौबत तेरी हर दम बाजे नौबत तेरी हर दम बाजे सात बजे घड़ियाल कलंदर दा मुर्शद लाल सोना लाल सैयद लजपत कलंदर दा मुर्शद लाल सोना लाल सैयद लजपत तो टॉपिक पे वापस आते हैं एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं शायद जमील साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है ये क्या किरदार अदा कर रहे हैं देखें अभी बात कर रहे थे नईम साहब के लिटरेसी रेट को बढ़ाने में जितना किरदार प्राइवेट सेक्टर ने अदा किया मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने किया हो बस वो अभी मैडम बात कर रही थी कि यहाँ पे मसाइल ये हैं कि कुछ ऐसा निज़ाम चल पड़ा है कि इतनी ज़्यादा फीसद हैं कि लोग उसमें इन नहीं हो पा रहे वाकई बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की कि ये मसला है प्राइवेट सेक्टर के अंदर लेकिन मैं आपको बताऊं 80-90% स्कूल ऐसे हैं जो कि आम से स्कूल हैं जिनमें फीसेज बहुत कम हैं और वो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं आप यकीन करें कि कोई एसी कोई डीसी पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं अब प्राइवेट सेक्टर को देखें आप में 1000 रुपये फीस वाले भी हैं 4000 तक भी हैं 5-6 तक भी हैं नो इशू लेकिन इसके बरक्स मेरे ख्याल में 20-25 हज़ार वाले पड़े हुए हैं तो मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर का किरदार जो है एजुकेशन के अंदर बहुत अहम है लेकिन अफसोस सद अफसोस कि पिछले दिनों मैं समझता हूँ इस कोरोना के दौरान ये एक वबा है सारी दुनिया में आई है और सब ने फेस की है और सारे ममालिक के अंदर सब ममालिक ने बड़ी मुश्किल वक्त देखा है और आज भी उसको भुगत रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी अमेंडमेंट भी हुई हैं कुछ ऐसी चेंजेस भी आई हैं कुछ हुकूमतों ने किरदार भी अपना अदा किया है कि जो स्टेबल हो गए अब पिछले अगर आप 8 महीने की बात करते हैं 9 महीने की बात करते हैं तो 10,000 से ज़्यादा जो है प्राइवेट स्कूल्स वो बंद हो चुके हैं सिर्फ इसलिए बंद हो चुके हैं कि बिल्डिंग्स के किराए जात हैं वो ना दे सके ऑनर्स तंग करते हैं और फीसें जो हैं वो उनको ना मिली तो इस हवाले से मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को ये चाहिए था और चाहिए है कि इन इदारों की मदद करें उनको कोई रिलीफ पैकेजेस अनाउंस कर बहुत सारे अच्छा तो नहीं था बिल्कुल मैंने तो खुद देखा मेरे खुद के भांजे भांजे सब बिल्कुल ली होंगी एक रुपया उन्होंने नहीं छोड़ा इवन के गवर्नमेंट ने फरिश्ते भी पैदा नहीं हो रहे हैं मैडम आपको मजे की बात बताऊं कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की कि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के अलावा कोई स्कूल जो है वो एडमिशन नहीं देगा यहाँ पे मैं एक खामी भी बयान करूंगा और लोग दे रहे हैं ठीक है जब लोगों ने देखा यार के फीसेस बढ़ गई हैं बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में चले गए ऐसा होना नहीं चाहिए उन स्कूल्स वालों को चाहिए कि वो सर्टिफिकेट चेक करें फिर एडमिशन दें ये हो रहा है भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। लेकिन जो आपने बात अभी स्कूल प्राइवेट बंद करने की ना कि वो बिल्डिंग्स के उन्होंने रेंट पे नहीं कर सके क्योंकि फीसेस तो वो ले रहे मैं आपको बताऊं बिल्कुल ले रहे थे लेकिन ऐसे बहुत सारे इदारे ऐसे हैं मैं नाम ले के आपको बता सकता हूं कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जिनके साथ ऐसा हुआ है जबकि गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था बात और भी नैना साहब आपसे पूछना चाहूंगी अभी देखे ना एक छोटा सा बच्चा उसको हमने प्ले ग्रुप में दाखिला दिलवाना है नॉर्मल से स्कूल में 50-60 हज़ार रुपए उसकी दाखिला फीस है ये तो हम सब जानते हैं तो ये क्यों ऐसा है कि मतलब अपने बच्चे को हम
स्कूलिंग उसकी स्टार्ट ही नहीं करवा सकते? देखिए मोहतरम ने जो बात की है, मेरे नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने तो पेरेंट्स को रोते हुए देखा है। हाँ, गवर्नमेंट ने जो कहा था कि 10% 20% कम करें, वो बहुत मुश्किलों से कुछ स्कूल्स ने उस पर अप्लाई किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन फीसेज हर चीज उन्होंने ली। ये जो एडमिशन फीस है, इसका स्ट्रक्चर मुझे आज तक समझ नहीं आया। एक बच्चा जो दूध पीता हुआ जाता है, उसकी 50,000-70,000 किस चीज में आप वेरीफाई करते हैं? क्या आप उसको स्पेस साइंस की एजुकेशन देते हैं? क्या आपके पास नंस हैं? क्या आप बहुत अच्छी आयास देते हैं? क्या आप उसको फूड देते हैं? क्या आप उसको मेडिसिन देते हैं? क्या उसको सुबह से लेके अलग रूम दे देते हैं? नहीं, क्या सुबह से लेकर रात तक उसको आप क्या चीज देते हैं? नंबर वन, ये इतनी जितनी 50,000 ये लेते हैं, इस पे हमारे यहाँ कानून कोई नहीं है, हमारे यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। हम मिनहारसल कौम जो है ना, वो सिर्फ बोलना जानते हैं, हम अपने अमल से कभी भी कोई चीज साबित नहीं करते। हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है वो पिछले रोने रोती है। आपको अभी प्रेजेंट ही हम कभी बात नहीं करते, या हम पास्ट में जीते हैं या हम फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट पे हम नहीं जीते। ये चीज किसी स्कूल से पूछनी चाहिए। और वहां पे बाहर एजुकेशन सिस्टम है, आप यूके में जाएं एक एजुकेशन सिस्टम है, यूरोप में जाएं एक एजुकेशन सिस्टम है। क्या वो डीसी नहीं पैदा कर रहे? क्या वो स्पेस साइंस में नहीं जा रहे? क्या वो टेक्नोलॉजी में हमसे करोड़ों दर्जे आगे हैं? ये जो डीसी एसी ये बैकवर्ड एरिया से गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ के आते हैं। एक मिनट, तो इसमें अगर हमें ये मुझे उन फिश्तों के नाम चाहिए जिनके स्कूल बंद हो गए, सॉरी टू से आई एम नॉट एजुकेशनल, स्कूल बंद हो चुके हैं, ये मैं बिल्कुल ऑनलाइन सारी दुनिया के सामने कह रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं, दोनों तरफ को देखते हैं। जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स के प्रॉब्लम्स को नहीं देखेंगे ना, तो हम एक पेज पे नहीं आएंगे। हमारे इस साइकिल में पेरेंट्स हैं, हमारे स्कूल ऑनर्स हैं, टीचर्स हैं और गवर्नमेंट है। हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी कोई पॉलिसी बना रही है ना, तो वो खुद ही बैठ के डिसाइड कर देती है कि जी आज से 20% ऑफ है जी, पेरेंट्स 20% नहीं देंगे। पेरेंट्स से तो पूछ लो भाई, वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं? आपने क्या स्कूल एसोसिएशंस जितनी भी हैं, स्कूल ऑनर्स जितने भी हैं, उनसे पूछा है कि वो किस हाल में हैं? जब तक हम तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे एक टेबल पे नहीं लेकर आएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं देखेंगे, फ्यूचर प्लान्स हम उनके साथ मिलकर नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम रहेंगे। यस, पेरेंट्स के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो 80% फी अफोर्ड कर सकते। भाई उनका अपना कारोबार नहीं था, उनकी अपनी जॉब नहीं थी, इवन के जॉब्स नहीं थी और सैलरी नहीं मिलती थी आपको, आप घर पे बिल्कुल जो है ना, वो मेरे ख्याल से अल्लाह माफ करे, खाना खाने के लिए भी वन के फीसिस पेंडेमिक ना, पेंडेमिक है भाई, इस तरीके से आपने जिंदगी किस तरीके से आप सर्वाइवल किए कि रोटी खाए हैं आपने। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें माओं ने जेवर बेचे हैं, बाइक्स तक बेची गई हैं स्कूल्स की फीस देने के। ये गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट को इस चीज पे इनिशिएटिव लेना चाहिए और गवर्नमेंट को इस चीज पे जानना चाहिए कि खाना ज्यादा जरूरी है या फिर तालीम बहुत जरूरी है। लेकिन नईम साहब मेरी बात से एग्री करेंगे क्योंकि एजुकेशनिस्ट हैं, मुझे ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर जो छोटे तालीमी इदारे हैं जिनकी फीस 2-4 हजार है, वो कितने? वो आगे आपकी बात लेके चल रहा है, आपको पता चलता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई अदारा 3,000-5,000 फी ले रहा है, तो हम उसको उसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे जो 50,000 फी। ये बात मैम ने बात की है, मैं भी अपनी बात को आगे लेके चलता हूँ। मैम ने जो बात की है, मैम शायद बात कर रही है 50,000-60,000। अगर कोई 3,000-5,000 शायद सब जो बात कर रहे हैं मेजोरिटी उन स्कूलों में, एडमिशन फीस की बात कीजिएगा जी, हम कितनी एडमिशन फीस लोग ले रहे हैं, हमें हमारे इन स्कूल्स के अंदर, इन स्कूल्स के अंदर कोई 50,000 फी एडमिशन फी नहीं है, मैक्सिमम 5,000। आपके स्कूल में सर मैं तो 5,000 से ज्यादा एडमिशन फी नहीं लेता। कितनी अच्छी बात है। प्लस हमने क्या किया, अपने पेरेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमने उनका वेव ऑफ कर दिया। हमने कहा कोरोना एप्लीकेशन दे, हमें रीजन बताएं, जेन्युइन रीजन है, तो हमने वेव ऑफ कर दिया उनका। हमारे पास कोई ड्रॉप रेशियो नहीं हुई, इसीलिए नहीं हुई कि हमने बच्चों को फैसिलिटेट किया वहाँ पर। हमें उनका प्रॉब्लम पता है कि वो क्या है, एक अगर डेली वेजर है, अगर लो पेड पर्सन है, तो अपने बच्चे की फी कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? अब मैम यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है, हमने एक बात की कि हम कहाँ से वो बना रहे हैं, शायद सब ने भी कहा कि हम बच्चों को, हमारे बच्चे क्यों नहीं आगे जा रहे। मैं कहता हूँ हम जब तक रट्टा सिस्टम खत्म नहीं करेंगे, हम ये मार्क्स की दौड़ खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनाएंगे, हम स्कॉलर्स वो नहीं बना सकते। तो हमें उस ये इस बात को मैं मजीद नैना साहब आपसे पूछना चाहूंगी, ये देखे ना एक बड़ा वो कॉम्पिटिशन सा है, रिलेटिव्स में भी आ गया,
फुफो के बच्चे ने इतने नंबर लिए, उसका बच्चा फलां स्कूल में जाता है, फलां का फलां। हमारी सोसाइटी में ये क्यों ये चीज? मैं इनकी बात को फॉलो करती हूँ कि ये जितने भी हैं ये रटा सिस्टम्स है। अगर हम बाहर की दुनिया या अपने दूसरे ममालिक में देखें, इवन बांग्लादेश को देखें, नेपाल को देखें, भूटान को देखें, इंडिया को देखें, हम एशिया को देख लेते हैं, करीबी ममालिक को देख लेते हैं, हम लोगों ने कंपटीशन बनाया हुआ है। बच्चे को हमने एक मशीन बनाया हुआ है, सुबह उठेगा, स्कूल जाएगा, उसके बाद वो ट्यूशन पे जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, और उसको सिर्फ रटा सिस्टम। देखें, जब तक इस कप का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ये कप किस मिट्टी से बना है, ये कितनी आग में तपा है, बाद में इसकी पॉलिश हुई है, तो हमें नहीं पता। उसको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि कप CUP कप, इसमें हम चाय पीते हैं। उसको नहीं पता कि कप का अगली चीजें जो है वो किस तरीके से होंगी। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, हम लोग रट्टा सिस्टम पे। यही चीज हमारी फैमिली में भी हुई है कि हमारी एक छोटी बच्ची है, वो जब घर में पढ़ती रही है तो माशाल्लाह मार्वेलस थी, लेकिन वो स्कूल में गई है तो वो सारी पोइम्स को भी हर चीज को रट्टा लगा रही है, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। उसको टेबल रट्टा आया, लेकिन जब उसे पूछो कि 2x2 क्या होता है, तो उसको नहीं पता, 2x4। उसको ये नहीं पता कि वो मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, ये क्या करना है। तो जब आप बेस भी इतनी खराब बनाते, हमें एजुकेशन सिस्टम से दूसरी चीजों से प्रॉब्लम नहीं है, फीसिस वगैरह हम नहीं जानते, वी आर नॉट एजुकेशन बिजनेस, हम लोग सिर्फ बात करें एजुकेशन सिस्टम पे कि आप बेस कैसे नहीं बनाते, आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, आप एक बच्चे को बताते ही नहीं है कि पौधा कैसे लगना है, सीट्स कैसे आने, आप ट्रिप पे नहीं लेके जाते, स्कूल्स बने हुए छोटी छोटी बिल्डिंग्स में, उनको पता ही नहीं है कि नेचुरल जो वे ऑफ एजुकेशन होता है वो क्या होता है। हम लोग फुटबॉल खेलते थे, हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, हमारे बस में अदब के पीरियड्स होते थे, यहाँ पे एक बिल्डिंग में स्कूल बना हुआ है, उसमें वो एक अजीब सा सिस्टम है, तो वहाँ पे कैसे जेन्युइन वो बच्चों को आप लेके आएंगे। रटे प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने क्या कहा था कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। यही तो बात मैंने की थी, यही बात तो मैंने की थी कि तरबियत करनी होगी अपने बच्चों की। मुझे आप मौका दीजिएगा, तरबियत करेंगे तो जाहिर सी बात है रट्टा सिस्टम खत्म हो जाएगा। इनकी बात का जवाब, तेरे सीने में दिल है दम नहीं है, तेरे दम में गर्मी महफिल नहीं है, निकल जा जरा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है, छोटी चीजों से निकल के बड़ी। क्या बात है, वो कहते ना हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, तारा जो कभी टूटे तो हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, तारा जो कभी टूटे तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। मतदेश के दस्तूर मतदेश के दस्तूर निलाले देखे, उसको छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद किया। आगे बोलो, क्या बात है, आयशा में आयशा में भी एक शेर है कि बहुत कॉमन शेर है कि मोहम्मद से वफात होने तो क्या चीज है, क्या लोह कलम। मैं कहूंगा कि एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो इस वजह से आई है कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बहुत दूर कर दिया। आज हम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि उन्होंने क्या किया, हमने उनसे सीखना छोड़ दिया। आज हमारे तालीमी अदारे कुरान पाक को हिफ्ज तो करवाते हैं, ये नहीं बताते उसके अंदर है क्या, क्या कह रहे हैं, कुरान कहता क्या है। तो हमें उसकी तरफ आना है अपने बच्चों को लेके। तो शाहिद जमील साहब, आपने तो मुझे बुला दिया, इतना हम तो जो है ना वो गुम हो गए। देखो जरूरी होता है ना, ये देखें छोटी सी मुबाइसा जो है सीखने को मिलता है, और क्या है ना, हर टाइम सीख। बेशक बेशक बेशक। तो अच्छा सर, अभी ब्रेक ले लेते हैं जी, बिल्कुल, उसके बाद पानी पिलाते हैं, मुझे बहुत जरूरत है पानी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं जल्दी से। वेलकम बैक। जो एजुकेशन का हमारा टॉपिक है वो वैसे बहुत मज़ेदार होता जा रहा है, ये शाहिद साहब और नैना साहिबा ने बड़ा मज़ेदार कर दिया इसको, मज़ीद हम इस पर बात करेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपका तो जो एजुकेशन है वो कुछ और है, तो आपकी अगर बुक्स पे बात कर ली जाए, माशाल्लाह से ये आपने, ये इन्होंने मुझे गिफ्ट की है आज किताब, माशाल्लाह से इसको मैं सर ज़रूर पढ़ूंगी, तो आपने कितनी बुक्स लिखी और क्या ख्याल आया आपको कि आपने? आयशा मैं 6 बुक्स लिख चुका हूँ, और 2 मेरे नातिया मजमूए कलाम हैं,
इसका तो नाम ही बहुत खूबसूरत है, लफ्जों की माला। और ये मेरे कॉलम्स हैं सोशल इश्यूज के, ये आपके पास अपनी बात, ये अपनी बात है जी, ये भी सोशल इश्यूज के टॉपिक्स हैं इसके अंदर, और 1% तकरीबन सियासत पे है ये। और बाकी ये आबरू माँ है आपके पास, आबरू इज्जत, आबरू इज्जत को कहते हैं। ये समय फारसी का एक शेर है, आबरू माँ जना में मुस्तफ़ा अस्त, के मुस्तफ़ा का जो नाम है वो मेरी आबरू, उसके अंदर से लिया गया ये लोगो है। मेरे कॉलम इस लोगो से छपते हैं, ठीक है। और मेरी शख्सियत पे अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल हो चुका है, शाहिद जमील की शख्सियत इल्मे रदबी खिदमत फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में सदफ काजमी ने ये डिग्री जो है उसको मिल चुकी है। और मैं सोशल इश्यूज पे ज़्यादा लिखता हूँ और उसी पे बात करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जितना हम अपने हिस्से का दिया जला सकें, काम कर सकें, वो करते जाएँ। अभी नईम साहब से सुबह बात हो रही थी कि अगर आप मस्जिद के अंदर कालीने बिछाते हैं, ए सी लगाते, बड़ी अच्छी बात है, उसकी जरूरत तो है ना, लेकिन उसके बरक्स आप कूड़े के ढेर पे कूड़ा चुनते हुए एक बच्चे को गले से लगा लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है। और ये मत सोचें कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये ड्रामा कर रहे कहते रहे, आप रब्ता तो उस रब से। नैना साहब इस पे भी मैं आपकी राय लेना चाहूंगी कि लोग क्या कहेंगे, ये एक बड़ा सा जो है ना वो जुमला ऐसा है, क्योंकि वो जब स्कूलिंग स्टार्ट होती है ये चीजें भी होती है कि अच्छा वो फलां क्या कहेगा, मेरा बच्चा तो जो है अच्छे स्कूल में जाए, बेशक फादर अफोर्ड करता है या नहीं करता। देखिये हमारी सारी जिंदगी जो है ना इसी पे मुहैया है, लोग क्या कहेंगे। हम कभी भी वो नहीं जीते जो हमें जीना चाहिए, हम कभी वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए, हम सिर्फ वो लोग क्या कहेंगे। तो इस लोग क्या कहेंगे को अगर एक साइड पे रख के अमल दयानत और खूबसूरती से अपनी जिंदगी गुजारी जाए और उसमें डाली जाए कुरान की सारी अहकाम को डाला जाए, तो मेरा ख्याल है कि जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत नहीं, क्योंकि हमारे माशरे में यह है लोग क्या कहेंगे, बाहर के माशरे में ये नहीं है। वो कहते हैं मैं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी डिग्निटी और मेरा जमीर क्या कहेगा। अगर हम ये कहना छोड़ दें लोग क्या कहेंगे, अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि यार मैंने इस बात पे, ये अच्छी बात थी, मैंने इस पे खामोश रह के कोई जुर्म तो नहीं किया, मैं क्या कहूंगा। अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चे को जो है वो तालीम दिलवाएं, और ये जरूरी नहीं है कि आपने इन्हीं की बात को आगे लेके चलता हूँ। आयशा, मैं टाट वाले स्कूल पे बैठ के पढ़ा हूँ, हमारी जो स्कूल की दीवार भी बाउंड्री वॉल भी नहीं थी, दरख्त के नीचे हम बैठते थे, टाट में वो डस्ट होती थी, हमारे टीचर्स ने हमारी तरबियत की है, करेक्टर बिल्डिंग की है। जब एक एक बच्चे की करेक्टर बिल्डिंग हो जाती है, आप उसको कहीं भी छोड़ दें, आज करप्शन हो रही है, आज बच्चे डॉक्टर बनते हैं सबसे पहले सोचते हैं कि अच्छा हमने 2 करोड़ कैसे पूरा करना है, पहले 2 पेशेंट से हम पूरा कर लें। इंजीनियर बनते हैं तो वो सोचते हैं कि अच्छा पहला जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसी में हमने पैसे पूरे करने हैं। आप देखें कौन सा फील्ड है इस वक्त जहाँ पे करप्शन नहीं है, उसकी वजह क्या आयशा? उसकी वजह यह है कि करेक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही है। आप अपने बच्चों को उस जगह पे लेके जाएं जहाँ करेक्टर बिल्डिंग हो रही है। बिल्डिंग को ना देखें आप, एनवायरमेंट मैटर करता है, लेकिन करेक्टर बिल्डिंग जहाँ पे भी हो रही है वहाँ पे भेजें अपने बच्चों को, आप स्टेटस के चक्कर में ना पड़े। ना पड़े, बिल्कुल ये बात है, खूबसूरत की है, स्टेटस के चक्कर में पड़ पड़ के तो जो है वो हमारे हो गया। क्यों शायद साहब ऐसे हो चुके हैं अभी, ऐसे ही वो हमारा बस मयार रह गया, बस या फिर ये रह गया, डिग्री रह गई है, डिग्री रह गई है। लोगों ने डिग्रियां तो ली हुई है हाथों में लेके, बल्कि इवन के पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कागज के टुकड़े। हाँ जी, कि स्पेसिफिक हमने पढ़ा क्या है। और फिर जाहिर सी बात है, साहिबा ने पहले बात की थी कि जॉब्स नहीं है, इवन के ये जो कोरोना में हम जॉब सीकर्स पैदा कर रहे हैं, डिग्री होल्डर्स जो है वो जॉब सीकर्स है। यार नैना सही कह रही है, और हमने यही काम किया, जॉब सीकर्स। देखिए हम स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ नहीं आते हैं, हम वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेवलर चैम्बर डेलीगेशन लेके जाता रहता है, तो मैं आपको बताऊँ वहाँ पे हम देखते हैं कि वो मैट्रिक भी नहीं करते, बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते वो स्किल डेवलपमेंट में आ जाते हैं। अच्छा। और वो बेहतरीन जॉब हासिल करते हैं, व्हाइट कॉलर से भी ज्यादा। हमारे यहाँ ये है कि बस जिस बच्चे ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कर ली, या उसने मास्टर कर ली, या उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, वही पढ़ा लिखा है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा देखे मैंने बहुत सारे पढ़े लिखों को जानवर देखा, और बहुत ज्यादा जानवर नुमा इंसानों को बेहतरीन इंसान देखा। तो तलीम आपके अंदर भी होती है और तलीम आपको बाहर से भी सिखा, बिल्कुल होती है। तो हमें दिया जलाना है बस, बिल्कुल बात है। तो ये शायद जमील साहब आपसे भी जानना चाहेंगे। अच्छा मैडम, एक बात अभी थोड़ी सी बात हो रही थी ना कि वाकई हमारी वो कहते ना कि कागज के टुकड़े हैं ये, लेकिन ये ऐसे कागज के टुकड़े हैं जो इस पाकिस्तान को चला भी रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी को देख लें तो उन्होंने एजुकेशन कहाँ से हासिल की,
इसी मुल्क से हासिल की ना, ये कागज के टुकड़े कहाँ कहाँ फैले हुए देखें, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले इन्हीं कागज के टुकड़ों को लेके हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और आप आईटी को देख लें, आप एजुकेशन के अंदर ये मत कहें कि ये कागज के टुकड़े हैं, होंगे उन लोगों के लिए कागज के टुकड़े के जिन्होंने नकल लगा के पास किया हो, कुछ करके किया हो, लेकिन बात सुने ना, बात सुने, मतलब अगर सुने मेरी बात, मेरी बात सुनिए, सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है ये, माशाल्लाह के आज हम इज्जत के साथ मुल्क के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कुछ लोग उसी उन्हीं टुकड़ों की वजह से गुजार रहे हैं जो आर्मी की अपनी तलीमी और फनी दर्शकाएं हैं। आर्मी तो आपसे बच्चा लेती है और उसको परवान चढ़ाती है। और मैं एक मिसाल दी है, हर हर जगह पे आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर ये एजुकेशन ही है जो हमें प्रमोट कर रही है, और इसी मुल्क की एजुकेशन है माशाल्लाह। नकायस होंगे लेकिन हम इसको कागज का टुकड़ा नहीं कह सकते, नहीं, आप इस बात को कागज का टुकड़ा नहीं कहेंगे, नहीं कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये मुल्क कैसे चल रहा है आप ये सोचें, कौन चला रहा है इसको, ये बिल्कुल जी जी मेरी डिग्रियों को छोड़िए आप, ये आप कभी हो ही नहीं सकता जी, ये निजाम चल रहा है तो किस पे चल रहा है, शाहजहां की एजुकेशन पे निजाम चल रहा है, मैं क्या कहूं, क्या सुना दें, बात ये है कि डिग्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री के बगैर आपकी पहचान नहीं है। आपको कोई जानता नहीं है कि आपने आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन डिग्री लेने के साथ जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप बातचीत करते हैं, तो फिर आपके जो अंदर आपने तरबियत ली होती है वो सामने आ रही है, आपकी हमेशा सिलेक्शन जो है वो तरबियत बेस्ड हो रही होती है। इन्होंने पाकिस्तान आर्मी का नाम लिया, यस वो डिग्री जरूर देखते हैं कि इसके पास क्या डिग्री है, मार्क्स कितने लिए हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम वो पूरा उस बंदे को चेक कर रहे होते हैं, उसका पूरा बायोडाटा उसके चेक होने के बाद वो सिलेक्ट होते हैं ना, जाहिर सी बात है उनकी तरफ डिग्री सिलेक्ट नहीं करते हैं, कद पे करते हैं, अगर अगर डिग्री नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता, अगर डिग्री नहीं होगी तो आप नहीं जा सकते, ऐसे बंदे पेश कर सकते हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, और वो डिग्री बहुत जरूरी है, डिग्री के बगैर गुजारा नहीं, किसी सूरत अगर इनके पास आनी जाए तो अभी 99% सिस्टम होना चाहिए था हमारा, किसी सूरत में भी ये जो कहते हैं डिग्री के बगैर गुजारा नहीं, पैसा कमाना इट्स बिजनेस बोलता है, जल्दी से गाना सुना दे, आज के प्रोग्राम में गाना भूल गया, माशाल्लाह टॉपिक बहुत अच्छा है, मुझे लगता है आयशा के गवर्नमेंट को जबरदस्त स्टेप्स लेने हैं अगर इस मुल्क में वो तरक्की चाहते हैं, एजुकेशन पे उनको काम करना है, अगर काम नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही चलता है, बेहतर बनाना है, हमने बेहतरीन बनाना है, हमारा क्रीमी सिस्टम ऐसा है कि वो टैक्स नहीं देता, नहीं देता हम सर्टिफिकेट देते हैं, हम अखलाकी तरबियत भूल जाते हैं, अगर मैं साहब की बात मानूं तो फिर तो मैडम तलीमी नहीं होता, तालीमी सिस्टम होता है, पहली बात तो ये, आई डोंट थिंक सो, हम टैक्स पे करते हैं, बिल्कुल हमने कोरोना के 8 महीनों में भी, हमने 8 महीने कोरोना वायरस का जो पीरियड था उसमें भी गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, वी हैव सर्टिफिकेट्स कि ये इतना टैक्स पे किया है, मैं पिछले 20 साल से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ, लाखों रुपए पे कर रहा हूँ, इंडिविजुअल्स हम, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मैं ये भी चाहूंगा कि हम गवर्नमेंट को जब टैक्स पे करते हैं, कोई भी टैक्स पेयर है, गवर्नमेंट उसको सिर्फ दो फैसिलिटीज दे दे, नंबर वन एजुकेशन उसके बच्चों की फ्री कर दे, खुद जिम्मेदारी ले ले, मेडिकल मेरे पास कोई मेडिकल कार्ड नहीं है, अगर मुझे कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे वो गली मोहल्लों का जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल, टैक्स पेयर को ये दो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, तो मैं गवर्नमेंट से भी ये डिमांड करता हूँ कि बेसिक चीजें प्रोवाइड कर दी, गवर्नमेंट का काम है, फिर हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हम उनकी पॉलिसी में जितने ये मैसेज जाना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इस बहुत अच्छा टॉपिक है और हुकूमत को चाहिए, और हम इंशाल्लाह अपने सुर के हवाले से भी उनको कहेंगे कि इनके लिए जो है ना वो एक बेहतरीन निजाम होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी आप उसके साथ आते हैं, स्टडी आपकी मेहनत होती है,
तो माशाल्लाह से ये हर चीज है। तो अच्छा, एजुकेशन पे जो है वो मजीद आपसे, आप हमारे नाज़रीन को, हमारी गवर्नमेंट को जी, जाते जाते एक खूबसूरत पैगाम जो मेरे जहन में है वो यही है कि सबसे पहले इस मुल्क के अंदर जो नकल से पाक जो है तालीम है उसका मैं समझता हूँ वो राइज होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये तबकाती निज़ाम जिस पे आपने बहुत ज़्यादा बात की उसको ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। और उसके बाद कुछ ऐसे तालीमी इदारे हों जो गवर्नमेंट की सपोर्ट से हों, ठीक है, जिसके अंदर 49% जो है शेयर वो प्राइवेट सेक्टर का हो और 51% जो है गवर्नमेंट का हो, तो फिर शायद ये निज़ाम जो है वो ज्यादा बेहतरी की तरफ जा सके, चला जाएगा। बिल्कुल सर, एक शेर भी आप साथ सुनाएंगे प्लीज, वो मैं ना सामने से सुनूंगा, एक शेर सुना दूं, गाना आएगा तो बुला दूं, प्लीज प्लीज प्लीज। वो कहते हैं ना कि हर शख्स खुदा बनने की कोशिश में है मसरूफ, लेकिन ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये पैगाम दूंगी, माँ की गोद से लेकर लहत तक हम तालीम हासिल करते हैं और हमें करनी चाहिए। हमारी तालीम का जो एजुकेशन सिस्टम जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे देखें हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉप गन्स हैं। तो बेहतरीन ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर से लेके एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए, तो ये सबसे बेहतर है। ये सारे टॉपिक एक शेर में सुनाऊंगा। मुझे लगता है हम इसको अगर कंक्लूड करें तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट मुराद राज साहब जो है पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर है बहुत अच्छे स्टेप ले रहे हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी 100% वो नहीं कर सके, हम उनके साथ खड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर उनके साथ खड़ा हुआ है और हम उनको सपोर्ट करेंगे इसके अंदर। हम भी ये चाहते हैं कि एक सिस्टम हो, एक मीडियम हो पूरे पाकिस्तान के अंदर, गरीब का बच्चा भी वही पढ़े, अमीर का शिकार ना हो, या अमीर का बच्चा भी सबसे कमतरी ना हो उनमें। बेशक अगर उनके माँ बाप ने बहुत मुश्किल से स्कूल की फीस भी अफोर्ड करी, लेकिन जब बच्चा उस स्कूल में जाता है, उस सिस्टम में जाता है, तो उसकी पूरी पर्सनालिटी स्पॉइल हो जाती है। ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है, उसमें इतना कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि फिर जो है वो बिल्कुल उस तरह से वो ग्रूम नहीं करता जिस तरह से उसको करना चाहिए। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो वाकई बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी गुफ्तगू के साथ हम अपने प्रोग्राम का, हमारा टाइम खत्म हो गया है, हमें लास्ट पे जो है वो नदीम शौकत साहब अच्छा सा गाना सुनाएंगे और इजाजत चाहते हैं नए मेहमानों के साथ, अगले टॉपिक में हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान।